प्रणाम दोस्तों, कैसे हो। गणेश जी के ऊपर एक किस्सा सुनिए। एक बार गणेश जी ने भगवान शंकर से कहा कि पिताजी, आप ये चिता की भस्म लगाकर मुंडमाला धारण कर अच्छे नहीं लगते। मेरी माता गौरी को देखिए, कितनी सुंदर है, आप उनके सामने इस भयंकर रूप में अच्छे नहीं लगते। पिताजी, आप एक बार कृपा करके अपने सुंदर रूप में माता के सामने आए, जिससे हम आपका असली रूप देख सकें। भगवान शंकर मुस्कुराए और गणेश जी की बात मान ली। कुछ समय बाद जब शिव जी स्नान करके लौटे तो उनके शरीर पर कोई भस्म नहीं थी। बिखरी हुई जटाएं सवरी हुई थी, मुंडमाला उतरी हुई थी। सारे देवता, यक्ष, गंधर्व, शिवगण उन्हें अलपक देखते रह गए। वो ऐसा रूप था कि मोहिनी अवतार रूप भी फीका पड़ जाए। भगवान शिव ने अपना यह रूप कभी भी प्रकट नहीं किया था। गणेश जी अपने पिता की इस मनमोहक छवि को देखकर स्तब्ध रह गए और मस्तक झुकाकर बोले, मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी, लेकिन अब आप अपने पुराने रूप को धारण कर लें। भगवान शिव मुस्कुराए और पूछा, क्यों पुत्र, अभी तो तुमने ही मुझे इस रूप में देखने की इच्छा प्रकट की थी, अब पुनः पुराने रूप में आने की बात क्यों। गणेश जी ने मस्तक झुकाए हुए ही कहा, क्षमा कर दीजिए पिताश्री, लेकिन मेरी माता से सुंदर कोई और दिखे मैं ऐसा कदापि नहीं चाहता। तब शिव जी हंसे और अपने पुराने रूप में लौट आए। पौराणिक ऋषि भी इस प्रसंग का सार स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आज भी ऐसा ही होता है। पिता रुद्र रूप में रहता है क्योंकि उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं। अपने परिवार का रक्षण, उसके मान सम्मान का ख्याल रखना होता है, तो थोड़ा कठोर होना होता है। और माँ सौम्य, लाड़ प्यार, स्नेह और उनसे बातचीत करके, प्यार देकर उस कठोरता का संतुलन बनाती है, इसलिए सुंदर होता है माँ का स्वरूप। जय हो गणेश महाराज जी की, जय हो। फिर मिलते हैं दोस्तों।